किसी रागिनी तिवारी नाम की बेहुदा औरत ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि 16 तारीख को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे अगर किसान आंदोलन खाली नहीं करवा पाई सरकार, तो 17 दिसंबर को रागिनी तिवारी खाली करवाएगी सिंघू बॉर्डर, यानी कि दिल्ली का बॉर्डर। कहाँ है वो रागिनी तिवारी? किसी ने देखा उसे? अगर किसी ने देखा तो प्लीज मेरी इस आईडी पे, मेरे इस पेज पे, रोशनी कुशल जायसवाल के पेज पे ज़रूर टेक्स्ट करिए, क्योंकि मैं उस बेहुदा औरत को ये बताना चाहती हूँ कि कान खोल के सुन लो, अगर तुम जैसी औरतें हमारे अन्नदाताओं का सम्मान नहीं कर सकती, तो अपमान करने का भी तुम जैसी औरतों को किसने हक दिया? तुम जैसी औरतों को तलवे चाटने के लिए ही बनाया गया है, और तुम तलवे चाटने के लिए ही ठीक बैठती हो। किसानों पर एक आवाज भी गलती से दोबारा उठाने की कोशिश की तुमने, तो तुम जहां भी रहती हो किसान तो क्या, मैं रोशनी कुशल जायसवाल तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ना ही कभी माफ करूंगी। इतने बड़े बड़े कारनामे तुमने किए हुए हैं, जिससे पूरा देश वाकिफ है, और तुम फिर 17 दिसंबर को खाली करवाने की बात कर रही थी चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया पे। तुमने क्या सोचा कि तुम जैसी औरत से किसान डर जाएंगे, और जो पिछले 24 दिन से आंदोलन कर रहे हैं वो तुम जैसी फटीचर औरत, तुम जैसी तुच्ची औरत से डर के किसान आंदोलन वापस ले लेंगे? वो 3 काले बिल वापस लेने की मांग नहीं करेंगे सरकार से? तुमसे डर जाएंगे रागिनी तिवारी? तुमसे? प्लीज, वो ऐसे मुंह टेढ़ा करके जो बोलती हो ना तुम, पहले तो लोगों को हंसी आती है कि तुम किस तरह से मुंह टेढ़ा करके बोल रही हो, और वो ऐसे ऐसे करने में ही ना लोग इंटरेस्ट बनाने के लिए, लोग हंसने के लिए, एंटरटेन होने के लिए तुम्हारे वीडियोस देखते हैं, और तुम्हारे वीडियोस से कोई डर नहीं जाएगा और किसान आंदोलन बंद करके अपने घर वापस नहीं चला जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे किसान, और ये आंदोलन जारी रहेगा। तो कान खोल के सुन लेना, और जहाँ तक हमारे किसान यानी कि हमारे अन्नदाताओं की बात है, मैं सैल्यूट करना चाहूँगी उन लोगों को कि इस कपकपाती ठंड में, इस कड़कती ठंड में, जहाँ इंसान घर से बाहर निकलने में 10 बार सोच रहा है, वहाँ दिल्ली की ठंड में आप पूरे फैमिली के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसकी मैं जितनी सराहना करूँ उतना कम है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।